हाय देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी पार्टी टू एवरीबॉडी। आते हैं आज के सवाल के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं हो सकता जिसने अपनी लाइफ में कोई भी एंट्रेंस के लिए तैयारी की हो और ये सवाल को सॉल्व ना किया हो। सो पॉज द वीडियो, ट्राई इट ऑन योर ओन एंड आई विल सी यू विद द सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड। एक अप्रोच ये लग सकता है कि लेट्स डू थ्री ऑपरेशंस। हम क्या करते हैं, हम ऑल थ्री डिजिट नंबर्स का जो सम है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं, विच इज वेरी इजी। फिर मैं उन नंबर्स का सम निकाल लूंगा जहां पे ओनली ऑड डिजिट्स आर देयर, ठीक है, ओनली ऑड डिजिट्स। और दूसरा जब ओनली इवन डिजिट्स आएंगे, ठीक है, दूसरा केस वो निकाल लेंगे हम जहां पे ओनली इवन डिजिट्स आएंगे। और टोटल में से मैं ओनली ऑड ओनली इवन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा विल हैव एटलीस्ट वन ऑड डिजिट, विल हैव एटलीस्ट वन इवन डिजिट। नाउ दिस इज इजी। अब यहां पे आप देखो, ऑल थ्री डिजिट नंबर्स की बात करूं मैं, तो वो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। तो सबसे छोटा नंबर है आपका 100, फिर 101 एंड सो ऑन टिल 999। तो इनके सम की बात करूं मैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन विल बी सेम एज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। So that will be 100 plus 999 divided by 2 into number of terms which is 900. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 494550, ठीक है। ये हो गया पहला कैलकुलेशन। अब दूसरे कैलकुलेशन की बात करते हैं जहां पे सिर्फ ऑड डिजिट ही है। अब ऑड डिजिट होते हैं आपके 1, 3, 5, 7 और 9, और हम बात कर रहे हैं थ्री डिजिट नंबर की, तो आपका नंबर आएगा तीन डिजिट का। अब लेट से यहां पे मान लो वन है, ठीक है, मान लो यहां पे वन है, तो यहां पे अगेन रिपीटेशन तो अलाउड है, ऐसा तो हमें बोला नहीं है कि सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द फाइव डिजिट्स एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द फाइव डिजिट्स। तो जब यहां पे वन आएगा तब आपके 25 नंबर बनेंगे। सिमिलरली 3, 5, 7, 9 के साथ सबके साथ 25 नंबर ही बनेंगे आपके, ठीक है। तो टोटल अब इस डिजिट की मैं बात करूं इस वन की, तो इसका जो वेट होगा दैट विल बी 1 into 100, ठीक है, बिकॉज ये 100 डिजिट है, ठीक है, डिजिट हो गया 1 और उसका वेट आएगा 100। और ऐसे नंबर कितने बनेंगे, ऐसे नंबर बनेंगे आपके 25। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 3 लेता, ठीक है, यहां पे 3 लेते तो 3 का वेट आता आपके 100, तो 3 का वेट आता आपका 100 और ऐसे नंबर बनते आपके 25। एंड ऐसा आप 5 के लिए भी करोगे, 7 के लिए भी करोगे और 9 के लिए भी करोगे। सो व्हाट आई कैन डू इज, यहां से मैं 100 कॉमन ले सकता हूं, मैं 25 कॉमन ले सकता हूं और मेरे को क्या मिल जाएगा फिर, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, सो दैट विल बी 25 ओनली। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 100 into 25 into 25 अगेन। अच्छा, अब दूसरी चीज करते हैं कि भाई अब 3 डिजिट का नंबर है, लेट से मैंने 10 डिजिट मेरा बन लिया। अब 10 डिजिट अगर मैं बन लूंगा तो टोटल नंबर कितने बनेंगे आपके, फिर से वही बात आ गई कि भाई दिस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द फाइव वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द फाइव वेज। बट अब जो 1 का वेट है वो 100 नहीं है, अब इट्स 10 डिजिट, तो इसका वेट आएगा 10। तो अब इसकी अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो जाएगा 1 into 10 into 25। और ऐसा ही आप हर नंबर के लिए करते तो इवेंचुअली जो आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आगे आता सिमिलरली 3 के लिए 3 into 10 into 25 and so on, तो eventually it will reduce to 10 सब में से कॉमन आ जाएगा, 25 सब में से कॉमन आ जाएगा एंड अगेन आपको 25 मिलेगा। और लास्ट में अब यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 25 into 25 तो सेम ही रहेगा, आपका पहले 100 था, 10 था, 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो फिर से यू कैन टेक 25 into 25 कॉमन, उनको आप कॉमन ले सकते हो एंड आपका अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन आएगा ओनली ऑड डिजिट के लिए दैट विल रिड्यूस टू 25 into 25 into 111। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69375, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर 69375, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने ओनली ऑड डिजिट भी निकाल लिए। अब बात करते हैं ओनली इवन डिजिट्स की, ठीक है। चलिए, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं चलेगा यहां पे, जीरो आपका खेल बिगाड़ेगा, ठीक है। तो अब इंडिविजुअली बात करें, अब इस यहां पे अगर हम बात करें, अगर मैंने यहां पे मान लो जीरो रख दिया तो ये जो डिजिट है यहां पे, राइट, दिस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज बट दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली फोर वेज, इसको खाली चार तरीके से भर सकता हूं मैं, ठीक है। तो जीरो के साथ आपका 20 केस बनते हैं। सिमिलरली यहां पे मैं अगर आपका 2 रख दूं, ठीक है, तो उसके साथ भी 20 नंबर्स बनेंगे,
4 रखेंगे तो भी 20 नंबर्स बनेंगे एंड सो ऑन। तो यूनिट डिजिट की बात करूं मैं तो उसका कितना सम आ जाएगा, सो दैट विल बी 20 इनटू आपका 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, सो दैट विल बी 20 ओनली। तो 20 इनटू 20 400 आ गया, तो आपका यूनिट प्लेस का जो वेट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 400। अब टेंथ प्लेस की बात करते हैं, अब टेंथ प्लेस की बात करें फिर से अगेन यहां पे मान लो आपने लेट्स से 2 लिया होता मान लो, सो अगेन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 4 वेज बिकॉज यहां पे 0 नहीं चलेगा। तो टोटल नंबर्स बनते हैं आपके 20। अच्छा तो 20 इनटू अब इसका जो वेट आएगा ठीक है दैट इज गोइंग टू बी 10, ठीक है, बिकॉज यहां पे तो यूनिट डिजिट था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया बट यहां पे इसका वेट 10 आएगा, तो इनटू 10 इनटू टोटल आपके कितना सम आ जाएगा, सो दैट विल बी अगेन 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज अगेन 20 ओनली, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 400 इनटू 10 दैट इज 4000। एंड लास्ट केस जब आप 100 प्लेस की बात कर रहे हो, अब यहां पे मान लो आपने लेट्स से 2 लिया ठीक है, नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज नाउ बिकॉज 0 से 2 4 6 8 कुछ भी चलेगा, दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज नाउ, ठीक है। तो टोटल 25 तरीके आ गए, तो यहां पे क्या क्या डिजिट चलेंगे, तो यहां पे 2 चलेगा 4 चलेगा 6 चलेगा और 8 चलेगा, और हर बार आपके नंबर बनेंगे 25 और उनका वेट आएगा 100, ठीक है, वेट आएगा 100 बिकॉज 100 डिजिट की आप बात कर रहे हो। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 20, 20 इंटू 25 दैट विल बी 500 इंटू 100 सो दैट विल बी टोटल 50,000 हो गया आपका। सो टोटल अब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है, सो 50,000 4,000 400, तो ओनली इवन का जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 54,000 एंड 400। टोटल मेरा आंसर आ रहा है 54,400। अब फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी टोटल आपका जो सम आ रहा था दैट वाज 494550 माइनस वो नंबर निकाल दो जो खाली ऑड डिजिट से बने हैं, तो ओनली ऑड आ रहा था आपका टोटल 69375, ठीक है, वो आ रहा था आपका 69375 माइनस वो नंबर निकाल दो जहां पे खाली इवन डिजिट है, तो खाली इवन डिजिट का मेरा सम आया था 54,400, ठीक है, 54,400। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 370775, आपका फाइनल आंसर आएगा 370775। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आज मैंने यूज किए, जो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, हमारा एक वैदिक मैथ का सीरीज भी चल रहा है जहां पे हम कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं, तो यहाँ पे काफी एक्चुअली ट्रिक यूज हुए हैं विच विल बी कवर्ड इन वैदिक मैथ सीरीज, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपको काउंटिंग कैसे करना है ये पता चल गया, डिजिट्स का सम कैसे निकालते हैं वो पता चला। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड दिस वॉज टूडेज क्वेश्चन इन द एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज। आई विल सी यू अगेन टुमारो विद वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन।